दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये काला पानी से मंगवाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मेरे मित्र जो हैं वहाँ पर विजिट करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो है उनके द्वारा ये तस्वीरें मैंने अपने पास मंगवाई हैं। दोस्तों ये काला पानी जो है अंडमान निकोबार के अंदर जो है, जो राजधानी पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, तो ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो है ना एक जेल का जो है निर्माण जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, जो कि 1896 के अंदर जो है इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे कैदी जो है यहाँ पर सजा भुगत के जा चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जेल है यहाँ पर, और अभी यहाँ पर कुछ ट्रैफिक भी है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रूम है यहाँ पर एक तरह से जो है एक संग्रहालय के तौर पे बनाया गया है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो है ये पुराना ही संग्रहालय है अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया है, इसको थोड़ा सा तब्दील किया गया है, अंदर से थोड़ा डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर उन कैदियों के नाम है जो यहाँ पर भारतीय कैदियों के नाम है जो यहाँ पर जो है सजा भुगत के जा चुके हैं, जैसे ये अवैध शस्त्र के उसमें जो है एक्ट के अंदर ये पकड़े गए थे और यहाँ पर ये सजा भुगत के जा चुके हैं। कोई बंदे जो है 1857 की क्रांति में भी हैं, और कई बंदे इसमें ऐसे हैं जो षड्यंत्र के केस में है या बम ब्लास्ट के केस में है। तो बहुत सारे यहाँ पर कैदियों के जो है नाम है यहाँ पर। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मित्रों को इसके बारे में पता भी है कि ये जो काला पानी की जो जेल बनाई गई थी, ये जो 1857 की क्रांति के बाद जो क्रांतिकारी सामने आए थे, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी जो स्पेशल जो है भारतीयों के लिए कोई ऐसी सेल बनाई जाए जिससे वहाँ पर जो है भारतीयों के अंदर जो है खोप बना के रखा जाए, कि जिससे जो कैदी यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों से डरें और उनकी जो है नीतियों को जो है स्वीकार करें। तो यहाँ पर जो है भारतीयों को जो है कुछ स्पेशल जो है यहाँ पर सजाएं दी जाती थी, और अगर कोई यहाँ से इस जेल से कोई कैदी अगर बाहर निकलने के लिए कामयाब हो भी जाता है तो जंगलों के अंदर उसे मच्छर और कीड़े मकोड़े जो है बहुत तरह के जो है जानवर जो जहरीले जानवर थे उनको खा जाते थे। मतलब कि यहाँ पर जो है इस टापू से बाहर निकलने का कोई अलग से कोई तरीका नहीं था बिल्कुल भी, या तो वो जेल को स्वीकार कर ले या फिर वो सज़ा काट ले यहाँ पर। तो यहाँ पर तो या तो वो आजीवन सज़ा को भुगत के मर जाता था या फिर अपनी सज़ा को काट के वापस जो है अपने प्रांत को चला जाता था। तो अलग अलग प्रांतों के यहाँ पर जो है सभी कैदियों की जो है यहाँ पर फ़ोटोज़ लगाई गई हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो हैं, यहाँ पर सन वगैरह भी लिखी हुई हैं किस किस डेट में जो है यहाँ पर ये रहे हैं और किस डेट में जो है यहाँ से जा चुके हैं या मर चुके हैं। तो ये बहुत ही पुरानी फ़ोटो हैं काले पानी की, जो है कोई आज की तो है नहीं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर यदि नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों हम न्यूज़ के साथ साथ जो है अपने दर्शकों के लिए जो है नॉलेजेबल जो है कुछ खबरें लेकर आते हैं जिससे आपकी जानकारी बढ़े और या वहाँ के आप कुछ दृश्य मुख्य दृश्य जो आप देख सकें। तो दोस्तों जितने मेरे पास दृश्य भेजे गए थे वो मैंने आपको दिखा दिया है, कभी कहीं पर डायरेक्ट जाकर जो है विजिट करना हुआ है इस ऐसी जगह पर तो मैं ज़रूर आपको जो है वहाँ के बारे में लाइव ज़रूर दिखाऊँगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल।